आज मैं आपको बताऊंगा कि इस बीज मंत्र ओम नमः शिवाय की क्या महत्ता है और पांच कारण भी बताऊंगा कि इसे जपना क्यों इतना आवश्यक है। इस मंत्र को जपने की सही विधि भी बताऊंगा और भगवान शिव की महिमा भी समझाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही जबरदस्त होने वाला है क्योंकि इससे आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपके संपूर्ण जीवन को संवार सकती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य देखिए। तो आइए शुरू करें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र को बीज मंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मंत्र तब से ब्रह्मांड में आसीन है, विराजमान है, मौजूद है जब से इस सृष्टि की रचना हुई है, और ये सब विद्याओं, ज्ञान, हमारे मन, बुद्धि, शरीर, यानी कि हमारे पूरे अस्तित्व का बीज है, स्रोत है। अब मैं आपको इस मंत्र के हर एक अक्षर का अर्थ समझाता हूँ। ओम नमः शिवाय सृष्टि की पहली ध्वनि ओम और पांच तत्वों से बना है। इसके पहले अक्षर ओम से ही इस सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी ईश्वर। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे अवश्य देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें न है पृथ्वी, म है जल, शी है अग्नि, वा है वायु और य है आकाश। इन पंच तत्वों से ही प्रकृति है, पूरा ब्रह्मांड। अगर ये नहीं तो जीवन संभव नहीं है। तो इस मंत्र को जपने का पहला कारण ये है कि इस मंत्र में प्रकृति और ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की, उनसे जुड़ने की पावर है, शक्ति है। और जब आप प्रकृति और ब्रह्मांड से कनेक्ट होते हैं तो ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, और जब आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं तो आपके लिए ईश्वर सुख, धन, समृद्धि, स्वास्थ्य सबके द्वार खोल देता है और आप एक संपन्न जीवन जीते हैं। ये है शक्ति इस बीज मंत्र ओम नमः शिवाय की। इसको जपने से जो ध्वनि या गूंज या वाइब्रेशन पैदा होती है वो कॉस्मिक एनर्जी यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मेल खाती है, या यूं कहें कि उसमें गूंजती है। यही एनर्जी, यही ऊर्जा हमारी लाइफ फोर्स है, जीवन की शक्ति है। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं वो निर्भर करता है कि हमारे अंदर इस शक्ति को ग्रहण करने की कितनी क्षमता है। अगर हम इस ऊर्जा को अपने मन, मस्तिष्क और शरीर में ठीक से ग्रहण करते हैं, संचालित करते हैं, तो हम एक स्वस्थ, ऊर्जापूर्ण, लाभदायक, फलदायक और उपयोगी जीवन जी सकते हैं। यही ये मंत्र करता है। ये उस एनर्जी को ग्रहण करके आपके पूरे शरीर के सही भागों में संचालित कर देता है, इसीलिए इसे जपना अति आवश्यक है। इस मंत्र को जपने का दूसरा कारण है कि ये आपको अपने आप से ही कनेक्ट करता है, ट्यून कर देता है, अपने आप को समझने की शक्ति देता है, क्योंकि इसका भावार्थ है कि मैं भगवान शिव को झुककर नमन करता हूँ और भगवान शिव हमारे अंदर ही विराजमान है, हमारे अंतःकरण में ही रहते हैं, और इसको जपकर हम उनकी आराधना करते हैं। ये एक आध्यात्मिक ही नहीं वैज्ञानिक तथ्य भी है जिसके बारे में आगे आने वाले एपिसोड्स में विस्तार से बताऊँ। इस मंत्र को जपने से आपकी पांचों इंद्रियां यानी कि दृष्टि, गंध, स्पर्श, स्वाद और श्रवण, या साइट, स्मेल, टच, टेस्ट एंड हेयरिंग शुद्ध हो जाती है। आपका उन पर पूरा कंट्रोल हो जाता है और आपके मन और शरीर की एनर्जी बैलेंस हो जाती है, संतुलित हो जाती है। ये मंत्र आपका सारा स्ट्रेस निकालकर आपको रिलैक्स कर। जब आप इसका नियमित रूप से जप करते हैं तो ये आपके मन को शांत और स्थिर कर देता है, जिससे आपके विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तीसरा कारण है कि इस मंत्र का जप करने से हमारी तीसरी आंख जागृत हो जाती है, जहां हमारे शरीर का छठा चक्र होता है। आपकी भावनाएं, सोचने समझने की शक्ति, दोनों में हार्मनी आ जाती है, सद्भाव आ जाता है, या यूं कहें कि वो सही दिशा में काम करने लगती है। इससे आपकी क्षमता, अंतःकरण की शक्ति और बुद्धिमता तीनों बढ़ जाती है।
आप सही निर्णय लेना शुरू कर देते हैं और एक सफल जीवन जीने लगते हैं। चौथा कारण है कि इस मंत्र का जप करने से आपका मन, शरीर और आत्मा सब शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं, क्योंकि ये उनमें से नेगेटिव एनर्जी निकालकर पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। आप घबराहट, डर और विफलताओं से मुक्त हो जाते हैं। आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और सही ढंग से काम करने लगता है और आप एक अच्छा मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखते हैं। इसका पांचवा कारण है कि ये शनि ग्रह को नियंत्रण में रखता है, उसके बुरे परिणामों को कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि शनि देव के आराध्य देव भगवान शिव ही है। यदि आपको शनि देव सता रहे हैं या अच्छे फल नहीं दे रहे, तो इस मंत्र का जाप करने से वो आपको अच्छे फल दे सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस लगातार सही समय पर मिलते रहे। इस मंत्र को जपने का तरीका एकदम सिंपल है, सरल है। रात को सोने से पहले या सुबह नहा धोकर जमीन पर, आसन पर या कुर्सी पर सीधे बैठकर अपना मन और शरीर रिलैक्स और शांत कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, अपनी भावों के बीचों बीच सेंटर में तीसरी आंख में देखिए और 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। इसको ऐसे बोलिए, ओम नमः शिवाय। अगर आप रात को या सुबह इसको नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, इसको करने में कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसे बैठकर 108 बार ही करें। आप जब समय मिले इसे मन में जपते ही रहिए, जब जब हो सके। इसको एक बार करने में 5 से 6 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगता। जब भी आप किसी दुविधा में हो, किसी परेशानी में हो या मुसीबत में हो, तो इस मंत्र का जाप हमेशा ही मन में करते रहें। इससे आपकी सब तकलीफें दूर हो जाएंगी और आपको सही रास्ता मिल जाएगा। शिव ही आदि हैं, शिव ही मध्य हैं, शिव ही अंत हैं। वही आदि गुरु हैं जो ब्रह्मांड की सारी शक्ति, ऊर्जा और ज्ञान के स्रोत हैं। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से भगवान शिव से जुड़ते हैं, तो आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और आप अपने अंदर और बाहर से पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान शिव कोमल और निर्मल स्वभाव के हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप भगवान शिव से जुड़ते हैं तो आप में एक नया दृष्टिकोण और एक नई चेतना आ जाती है, जिससे आप जीवन और संसार के सारे सत्यों को जानने और समझने लगते हैं। दुनिया को, लोगों को और परिस्थितियों को एक नई ताजगी भरी दृष्टि से देखने लगते हैं। आपको परम ज्ञान और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे आप अपने जीवन के संघर्षों को लांघ कर सफलता की एक नई रोशनी में कदम रखते हैं, एक नए प्रकाश का अनुभव करते हैं, अलौकिक हो जाते हैं और सर्वोच्च चेतना यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस के समीप पहुंच जाते हैं, जहां सुख, आनंद और संपन्नता के भंडार हैं। यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव इस खजाने का द्वार आपके लिए खोल दें, तो ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे शेयर अवश्य करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अपने प्रश्न और विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इससे मुझे अपने वीडियो बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और मैं इन सवालों का जवाब भी जरूर दूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा सुखी, स्वस्थ और संपन्न रहिए। जय श्री राम।